अकबुल न्यूज में सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मुनियप्पा साहब है जो बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, तो हमारे बीदर में साहब मौजूद है। साहब आपका, मुनियप्पा साहब बीदर में आपका आने का अहम मकसद क्या है? इधर आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग होगा गुलबर्गा एंड बीदर का, वो 2024 में इलेक्शन चल रहा है ना लोकसभा का जी, हम 24-28 पार्लियामेंट में कंटेस्ट करेंगे। बिधर भी ज़्यादा SC ST बैकवर्ड, स्पेशली मुसलमान ज़्यादा है, इधर भी कंटेस्ट करना था। इसके लिए कांग्रेस लोग, BJP लोग, दड़ा लोग भी फॉर्म देने का, एक 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ पूछते हैं बी फॉर्म का। BSP का ऐसा सिस्टम नहीं, कौन अच्छा लोग आता है उन लोग को भी फॉर्म देंगे। इधर KDRS पार्टी है, हमारा पार्टी में वो संविधान का क्या है जारी करना, इधर बहुजन समाज पार्टी का वो होता है SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी का जी, ये लोग का बोलता है बहुजन समाज। इसके लिए इंटर कंट्री में कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री कंडिस्ट्रेटों का बताया था, तैयार करने के हम लोग आए। अभी जो अलायंस का क्या है साहब, पूरे इंडिया लेवल पे इंडिया बोल के एक सेपरेट बनाना अलायंस, तो उसमें भी आप शामिल है बहुजन समाज पार्टी इंडिया में? वो इंडिया का मनोवादी पार्टी था, BJP मनोवादी पार्टी था, बहुजन समाज पार्टी अलग है, अभी थर्ड फ्रंट करने का रेडी है। अभी इंडिया में अलायंस नहीं है, सेपरेट है? सेपरेट है, थर्ड पार्टी को चल रहा है अभी काम जी। तो होने के चांसेस है इंडिया में, इंडिया के अंदर आप भी मिलकर इलेक्शन? नहीं जी, उधर हमारा इंडिया भी नहीं जी, न्यूट्रल है भी जी। थर्ड प्रिंट का चालू करने का कल का हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रेसिडेंट भी किया जी, पेपर में आया जी। हमारा पार्टी में क्या बोलता हो, क्या चल रहा है, ये मीडिया लोग, बड़ा बड़ा मीडिया लोग दिखाता नहीं जी। वो लोग क्या होगा, अभी इंडिया में 4M में चल रहा है अभी, मनी माफिया मीडिया मोदी, बड़ा बड़ा मीडिया लोग, बड़ा बड़ा माफिया लोग साथ है जी। वो कांग्रेस BJP का क्या डिफरेंस नहीं जी, वो बोलता है कांग्रेस लोग सेक्युलर जी, BJP बोलता है कम्युनल हिंदू, कौन हिंदू कौन सेक्युलर, सेक्युलर बोलकर अभी तक इतना साल वोट ग्रैब किया वो कांग्रेस लोग SC ST का बैकवर्ड का माइनॉरिटी का। अभी बोला क्या परिस्थिति, क्या मुसलमान का इंडिया में 5% में लोग कभी अभी खाने का पीने का थोड़ा राजकीय करने का है, 95% अभी तक का खाना का प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं, वो लोग स्लम में अभी तक को अकपत्र भी नहीं आया जी, वाटर नहीं, टॉयलेट है, ऐसे चल रहे हैं। कांग्रेस लोग बोलता है मुसलमान को उसको मैं पैदा किया पार्टी को बोलता है, मुसलमान स्थिति क्या इंडिया में जी। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, मुसलमान माइनॉरिटीज के वोट ज्यादा उसको मिले, मगर माइनॉरिटीज को मिनिस्ट्री ज्यादा क्यों नहीं दी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? वो नंबर बोलो क्या दिया, म्युनिसिपैलिटी दिया अभी, एक म्युनिसिपैलिटी हाँ, दूसरा एक स्लम दिया हाँ, बड़ा बड़ा जज लिंगायत को कलर को बड़ा बड़ा पोस्ट दिया, खाली दो ही मिनिस्ट्री दिया कर्नाटक में मुस्लिम को, पोस्ट भी नहीं दिया नहीं। इस बारे में आप क्या बोलते हैं? कभी तक हम कांग्रेस को वोट डालेंगे SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटी, ये होता है बहुजन समाज पार्टी रूलिंग आए तो ये पूरा बदल होता है, नहीं होता जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन साहब, आपको भी टाइम हो रहा, अब जो हिंदुस्तान के अंदर हालत है, इस जो कहीं हर जगह जो सोना मणिपुर होंगे उधर होंगे फसाद हो रहे, और ट्रेन में जो एक्सीडेंट हुआ, जो ट्रेन में मुस्लिम को 3 मुस्लिम और एक सिपाही का जो सोना एक सेनाई का ही आदमी जो सोना फायरिंग किया, उस बारे में आप बोलेंगे मणिपुर का क्या चल रहा है? मणिपुर में ये पुराना लोग, वो लोग पूरा SC ST था, कौन ये लोग सुनते तो कुकी जनंगा, वो लोग SC ST था, अभी वो लोग क्या हो गया, वो क्रिश्चियन को कन्वर्ट होगा जी। इधर भी कर्नाटक अलग रहेंगे, मुसलमान कौन होता है लोकल का, वो लोग भी हमारा लोग था SC ST का पुराना, हिंदू धर्म में पूरा डिफरेंट है ना, इसके लिए वो लोग मुस्लिम जन किया। ये लोग कभी भी क्या करते, हिंदू लोग मनुवादी लोग ऐसा टेंशन करता है, झगड़ा करता है, प्रॉब्लम करता है। अभी हमने पूरा नेशनल प्रेसिडेंट को बात किया, वो प्रेसिडेंट रूल बनाना उधर करके
कर्नाटक में भी कौन मारा ना ये बदमाश, ये लोग को जेल करना, हैंग करना जी, बहुत ज्यादा समाज होता है था। तो बिदर में इस बार पक्का आपका कैंडिडेट उतरेगा बीएसपी का? गारंटी। कितने सीट उतारेंगे साहब? पूरे 28 सीट है असम पार्लियामेंट कर्नाटक में, 28 पूरे के पूरे कंटेस्ट करेंगे। ये है आर्म मुनियप्पा साहब, जो हम बहुजन समाज पार्टी के राज्य अध्यक्ष है हमारे बीच। साहब आपका कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इधर मुस्लिम्स SST को ये तो ये जीत सकता है पार्लियामेंट का, मुस्लिम और कभी भी कांग्रेस को बिलीव नहीं करना, वो लोग सेक्युलर बोलता है, रंग बोलता है जी। इधर SST मुस्लिम और एक हो तो ये जीत सकता है पार्लियामेंट को। ओके थैंक यू।